बाधा के लिए हमें बहुत अच्छी चीज मिली। भक्ति मार्ग में आप लोग भक्ति करते हो, पांच आपकी बाधा है, पांच कांटे, वो निकाल लेना आलपिन से, सुई से, जब कांटा लगता है सुई से निकालते। एक माताएं जो लगा लेती हैं उसको आलपिन कहते हैं। अब आप लोग कुछ भी कहो, भगवान जाते हैं। हाँ, तो पांच बाधा है आपकी भक्ति के। पहला बाधा भक्ति के मार्ग में जाति अभिमान। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं सेवक हूं, ये अभिमान बहुत खतरनाक। इसलिए आप जब भक्ति के मार्ग पर उतरो, ऊंचे कुल क्या जन्मिया की करनी ऊंची ना हो। ऊंचे कुल के जन्म लिया और अगर करनी ऊंची नहीं तो क्या खाक जन्म लिया। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल होए। तो पहली भक्ति मार्ग में बाधा है जातिवाद का अभिमान। भक्ति के मार्ग में दूसरी बाधा है विद्या का अभिमान। अगर आप ज्ञानी हो और भक्ति मार्ग में उतरे हो तो आपको विद्या का अभिमान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद करवाती है। तो भक्ति मार्ग में पहली बाधा है जाति का अभिमान। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे भगवान जल्दी मिलेंगे। हे ठठरी के बरे, छोड़ो यार भाई, तुम भी क्या बातें करते हो कि भगवान तुमको ऊंचे कुल वालों को जल्दी मिलते हैं, भगवान पढ़े लिखों को जल्दी मिलते हैं। अगर ऊंचे कुल वालों को भगवान मिलते होते जल्दी तो सबरी को क्यों मिले? पढ़े लिखों को कोई भगवान मिलते हैं तो हाथी कौन से स्कूल में गया? जटाजूट वालों को ही भगवान मिलते हैं तो फिर तो रीच को कभी के मिल जाते, वो तो बेचारा हेयर कटिंग करवाने जाते ही नहीं। नहाने वालों को भगवान मिलते हैं, मछली निकलती ही नहीं है, उसको भी मिल जाते। तो भगवान किसको मिलते हैं, ये भगवान भाव से देखते हैं। तो पहला जाति अभिमान त्यागना, दूसरा कांटा है विद्या का अभिमान। हम ज्ञानी हैं, भगवान हमें मिलेंगे, छोड़ो भैया। कई बार ज्ञानी को ही भगवान नहीं मिलते, मूर्ख को मिल जाते हैं। तीसरा महत्वाकांक्षा पाने वक्का मद, ये भी भक्ति मार्ग में बाधा है, कांटा। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, लोग मुझे देखें, मेरा सम्मान करें, मुझे जाने, मेरी भक्ति को जाने, ये अगर महत्वाकांक्षा का कांटा है आपकी भक्ति में, समझना कांटा लगा है। चौथा कांटा रूप का मत। बहुत बार कुछ साधक और साधिकाओं को अपने रूप का सौंदर्य का मद होता, मैं सुंदर हूं, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, शायद भगवान मुझे जल्दी मिलेगा। नहीं, ये तुम्हारी भक्ति में बाधा है, इसको भी त्याज्य करना। पांचवा यौवन और बुद्धि का मद। पांचवा मद यौवन का, मैं युवान हूं, देखो मैं कितना युवान हूं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। तुम तो युवानपन में भगवान की भक्ति कर रहे, प्रहलाद जी ने तो बालपन में भगवान की भक्ति की। ये पांच कांटे अगर आपने निकाल लिए आपकी भक्ति दृढ़ होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आज की कथा के सूत्र याद हो गए आपको, है? तीन सूत्र हमने पहले बताया, विपत्ति को संपत्ति मानना है। क्या मानना है, जोर से बोलो, विपत्ति को। दूसरा दुर्गति नहीं। और तीन सूत्र बहुत अद्भुत थे, तुम संसार में हो या संसार तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर भगवान है या तुम भगवान के अंदर हो, तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए, ये तीन सूत्र ये हैं। बाकी शेष चर्चा पांच पांच अंकों की हमने आपको की है, उसको आप याद रखना।